दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपने कंप्यूटर को रीसेट कैसे किया जाता है, चाहे कंप्यूटर चाहे लैपटॉप एक ही प्रोसेस है। तो दोस्तों कभी बार ऐसा होता है कि किसी रीजन के वजह से कि हमारा जो पीसी होता है जो लैपटॉप होता है वो रीसेट करना जरूरी होता है। या तो मान लीजिए किसी को हम पीसी को दे देंगे या तो लैपटॉप को किसी को हम दे देंगे तो मेरा जो कुछ भी है सेटिंग और जो कुछ फाइल्स वगैरह है सब कुछ हम रीसेट करना चाहते हैं, टोटली डिलीट हो जाएगा और रीसेट भी हो जाएगा एकदम। जब हम नया पीसी या लैपटॉप नया जैसे हम खरीदे थे वैसे तो नया के जैसा ओपन हो जाएगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई भी वायरस वगैरह मेल वगैरह आ जाता है या तो कुछ भी सेटिंग मिस्टेक हो जाता है, कोई भी फाइल्स मिस्टेक हो जाता है, उसके रीजन की वजह से कि भी हम लोग जो कि हमारा पीसी या लैपटॉप को रीसेट करते हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे अपने पीसी हो या लैपटॉप हो कैसे आप रीसेट कर सकते हो। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप फुल डिटेल बताऊंगा और रीसेट करने के बाद कैसे फिर से रीस्टार्ट कैसे आप कर सकते हो ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं स्टार्ट गुरु यूट्यूब चैनल। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को रीसेट करने के लिए सबसे पहले अपना जो स्टार्ट बोल के जो बटन है यहाँ पर इसी कन्नार पे इसी स्टार्ट वाला बटन में आपको टच करना है। स्टार्ट वाला बटन में जैसे अपने आते हो यहाँ पर आपको मिलेगा सेटिंग बोल का ऑप्शन, सिंपली आपको सेटिंग वाला ऑप्शन में आपको आ जाना है। सेटिंग वाला ऑप्शन में जैसे आप आएंगे यहाँ पर आपको नीचे मिलेगा अपडेट एंड सिक्योरिटी, सिंपली अपडेट एंड सिक्योरिटी ऑप्शन में आपको टच करना पड़ेगा। अपडेट एंड सिक्योरिटी ऑप्शन में जैसे अपने आते हो और इस साइड में आप देखेंगे टोटल आपको रिकवरी का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। तो यहाँ पर जो रिकवरी का ऑप्शन है सिंपली रिकवरी ऑप्शन में आपको टच करना है। रिकवरी ऑप्शन में जैसे अपने टच कर देते हो तो यहाँ पर आपको मिलेगा दो ऑप्शन, एक है रीसेट दिस पीसी ऑप्शन और एक मिलेगा एडवांस स्टार्टअप ऑप्शन। तो यहाँ पर लिखा है रीसेट दिस पीसी, तो यहाँ पर मैं पीसी को रीसेट करूँगा तो सिंपली यहाँ पर गेट स्टार्ट में मैं क्लिक करूँगा। गेट स्टार्ट में क्लिक करते ही आपके सामने दो ऑप्शन मिल जाएगा, एक है चॉइस एंड ऑप्शन, तो यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर कीप माय फाइल एक ऑप्शन और एक है रिमूव एवरीथिंग, तो ये दो ऑप्शन। तो ये जो कीप माय फाइल इसी ऑप्शन से अगर अपने रीसेट करेंगे अपने पीसी या लैपटॉप को तो आपको बहुत ही कम टाइम पे आपको रीसेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको रिमूव एवरीथिंग रिमूव नहीं होगा, कीप माई फाइल में ये होगा कि आपके ऐप्स एंड सेटिंग वगैरह जो कुछ भी है वो डिलीट हो जाएगा लेकिन आपके पर्सनल जो फाइल है वीडियो वगैरह जो भी पर्सनल फाइल है वो रह जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर बहुत ही कम टाइम के अंदर आप पीसी या लैपटॉप को रीसेट कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो किसी को आप पीसी या लैपटॉप उनको दे देंगे तो अगर आप चाहते हो कि मैं एवरीथिंग अपना पीसी या लैपटॉप में जो कुछ भी है टोटली सब मैं डिलीट कर दूंगा तो आप रिमूव एवरीथिंग में आप टच कीजिए। रिमूव एवरीथिंग में जैसे आप टच करेंगे पर्सनल फाइल्स ऐप्स सेटिंग जो भी है टोटली डिलीट हो जाएगा, एकदम नया जैसा पीसी हो जाएगा। तो सिंपली मैं यहाँ पर रिमूव एवरीथिंग में मैं टच करूँगा। रिमूव एवरीथिंग में जैसे मैं टच करूंगा यहाँ पर आपको फिर से यहाँ पर दो ऑप्शन मिल जाता है, लॉट डाउनलोड और लोकल रीइंस्टॉल डाउनलोड। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैं जैसे ही पीसी या लैपटॉप को मैं रीसेट करूंगा तो टोटली विंडोज़ भी यहाँ पर डिलीट हो जाएगा, टोटली विंडोज़ भी चला जाएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आप डाउनलोड करेंगे ऑनलाइन पर डाउनलोड करेंगे विंडोज़ को या आपके पास सीडी या कैसेट या ड्राइव है तो उसमें आप लोकल में आप टोटली फिर से दोबारा आप इंस्टॉल करेंगे। तो मैं ऑनलाइन पर डाउनलोड कर लूँगा तो इसलिए मैं यहाँ पर लॉट डाउनलोड में टच करूँगा। इसमें जैसे हम टच करेंगे तो यहाँ पर आपको टोटल ऑल डिटेल्स और एक बार आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो एडिशनल सेटिंग में करंट सेटिंग में रिमूव एप्स फाइल्स डू नॉट क्लिंग और द ड्राइव डिलीट ऑल फाइल ओनली फ्रॉम विंडोज ड्राइव, तो ये सब कुछ डिटेल्स जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप चाहे तो यहाँ से चेंज कर सकते हो सेटिंग को। तो फिलहाल मैं सब कुछ जो कि जैसा है वैसा ही मैं रखूँगा, मैं और भी कुछ सेटिंग जो कि मैं चेंज नहीं करूँगा। तो सिंपली इसके बाद आपको नीचे मिलेगा बैक ऑप्शन और कैंसिल ऑप्शन, आप चाहे तो कैंसिल कर सकते हो बैक भी कर सकते हो। अगर कोई ऑप्शन आपको फिर से दोबारा देखना चाहते हो तो बैक भी कर सकते हो। तो फिलहाल मैं बैक तो कर दिया हूँ लेकिन मैं यहाँ पर क्लॉड डाउनलोड पर फिर से आऊँगा तो फिर से उसी जगह पे मैं फिर से आ चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कैंसिल बैक भी ऑप्शन मिलता है लेकिन मैं यहाँ पर नेक्स्ट में क्लिक करूँगा। रीसेट करने के लिए टोटल पीसी या लैपटॉप को आपको नेक्स्ट में क्लिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट में जैसे आपने क्लिक कर दे तो आपके गेटिंग थिंग रेडी दिस वर्किंग द लॉन्ग, थोड़ा यहाँ पर आपको लोडिंग होगा गाइस। और गाइस मैंने यहाँ पर टोटली मैं एवरीथिंग मैं रीसेट करूँगा, एकदम नया जैसा पीसी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप और एक बार आपको टोटल यहाँ पर डिटेल्स यहाँ पर दिखा रहा है क्या डिलीट हुआ नोट्स ये सब आपको यहाँ पर पढ़ सकते हो। तो फिलहाल मेरे को यहाँ पर डाउनलोड एंड री इंस्टॉल विंडोज़, तो जैसे टाइम वैसे यहाँ पर मैं
रीसेट कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपली यहाँ पर आपको मिलेगा रीसेट ऑप्शन और कैंसिल ऑप्शन। तो सिंपली मैं यहाँ पर रीसेट में टच कर दूंगा। रीसेट में जैसे मैं यहाँ पर टच करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो टोटली हमारा जो पीसी है यहाँ पर रीसेट हो रहा है। स्टार्टिंग डाउनलोड 30% यहाँ पर दिस ड्राइव विल ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट। तो यहाँ पर हमारा जो पीसी है टोटली रीस्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह से काफ़ी आराम से अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को अपने रीसेट कर सकते हो, एकदम नया जैसा फिर से अपने कंप्यूटर का बना सकते हो। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल दिखाऊंगा। यहाँ पर मैंने रीसेट भी कर लिया, इसके बाद जो भी मैं पीसी स्टार्ट करूंगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप पीसी या लैपटॉप को रीसेट करते हो तो उसी टाइम पे आपके जो पीसी या लैपटॉप को स्टॉप नहीं होना चाहिए किसी भी रीजन के वजह से। आपके अगर बैटरी लो है तो अगर आप लैपटॉप से कर रहे हो, बैटरी अगर लो है तो आप बिल्कुल आप जरूर से जरूर आप उसको चार्जिंग में लगा के आप रीसेट कीजिए। या तो अगर पीसी से कर रहे हो अगर वो इलेक्ट्रिक में चल रहा है तो उसको आप इन्वर्टर सिस्टम पे कीजिए। मतलब किसी न किसी तरफ से अपने जो सिस्टम है जो मैशिंग आप रीसेट करने के टाइम पे आपको जो मैशिंग है वो स्टॉप नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे में आपके जो डिवाइस आपके जो मैशिंग है वो ख़राब हो सकता है। तो रीसेट के टाइम पे जरूर से जरूर इन बातों को जरूर से ध्यान पर रखिए। मैंने बहुत सारे वीडियो पर देखा हो तो ये बातों को क्लियर भी नहीं कहते, तो इसलिए मैंने इस बातों को मैंने आपको क्लियरली बता दिया। तो चलिए गाइस देखते हैं कितना टाइम लगता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल पर नया चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए गाइस आगे के प्रोसेस देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 100% हो चुका है, अभी देखता हूँ क्या ऑप्शन आता है। यहाँ पर दिस डिवाइस इज ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट, तो ये यहाँ पर दिखा रहा है कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर रीस्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो रहा है, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिक ऑफ हो चुका है। जब ये ऑफ हो जाता है ऑटोमेटिकली स्क्रीन टोटली ब्लैक हो जाता है, तो आपको यहाँ पर घबराना नहीं है। यहाँ पर थोड़ा आपको वेट करना है, आपको बहुत ज़्यादा आपको पेशेंट रखना है। जो भी होगा यहाँ पर फिलहाल यहाँ पर ऑटोमेटिक हो रहा है, प्लीज़ वेट यहाँ पर दिखा रहा है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर टाइम लगता है, आधा घंटा भी लग जाता है, इससे भी ज़्यादा भी लग जाता है। देखता हूँ कितना टाइम लगता है। नेट स्पीड के ऊपर भी निर्भर करता है, क्योंकि कुछ विंडोज़ भी डाउनलोड अगर आप करेंगे डाउनलोड करने के टाइम पे तो आप नेट स्पीड के ऊपर निर्भर करता है। अभी फिलहाल पीसी रीसेटिंग अभी हो रहा है। पीसी रीसेटिंग में तो आपके जो प्रोसेसर आपके रैम इसमें आपके मैशिंग के ऊपर निर्भर करता है कितना जल्दी कितना फास्ट वो रीसेटिंग करके देगा। तो ये तो कंप्यूटर आपके जो मैशिंग के ऊपर निर्भर करता है। फिलहाल यहाँ पर मैं देखता हूँ कितना टाइम मुझे लगता है। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर 15 से 20 मिनट के बाद, उससे भी ज़्यादा होगा शायद, जो उसके बाद मैं फाइनली कुछ इस तरह का सेटिंग यहाँ पर दिखा रहा है। तो यहाँ पर रीसेट तो हो चुका है पीसी, अभी स्टार्ट होने वाला है। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं यूनाइटेड स्टेट जो यहाँ पर है इसी ऑप्शन में मैं येस पे क्लिक करूँगा, ठीक है गाइस। और दोस्तों इसके बाद जस्ट मोमेंट यहाँ पर दिखा रहा है। तो यहाँ पर और एक ऑप्शन है इज द राइट कीबोर्ड लेआउट, तो यहाँ पर भी मैं जो कि ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा वो ये है कि यहाँ पर जो कीबोर्ड का जो लेआउट है तो वही क्या है। तो यहाँ पर मैं इंडिया इंग्लिश इंडिया को मैं सिलेक्ट करूँगा, जो भी हमारा कीबोर्ड है इंग्लिश इंडिया को येस सिलेक्ट करके येस में क्लिक किया हूँ। और इसके बाद और एक ऑप्शन यहाँ पे वेन टू द एड ये सेकेंड कीबोर्ड लेआउट, तो मैं यहाँ पर ऑलरेडी मेरा जो कीबोर्ड है मेरे मैशिंग से साथ एडजस्ट है, मैंने सेट करके रखा हूँ, तो इसलिए मैं इसको मैं सिक्कीब में क्लिक करूँगा। सिक्की में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर और एक ऑप्शन आपको मिलाएगा। अगर अपने कीबोर्ड से अपने जो कीबोर्ड है आप जरूर से जरूर अपने मैशिंग पे लगा के रखिए, जब आप रीसेट करते हो उसके पहले आप लगा के रखिए, या तो बाद में भी लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अभी ऑप्शन आपको दिखा रखे विंडोज 10 लाइसेंस एग्रीमेंट, हाँ तो यहाँ पर मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर एक्सेप्ट में क्लिक कर देता हूँ। एक्सेप्ट में क्लिक करने पर यहाँ पर और एक ऑप्शन दिखा रहा है, तो हाउ टू विंडो लाइक योर सेटअप, तो यहाँ पर जो भी है हम यहाँ पर हमारा पर्सनल यूज़ करने के लिए मैं पीसी को यूज़ कर रहा हूँ, और अगर आप बिजनेस के लिए करना तो नीचे वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए, तो मैं पर्सनल यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं सेट होम तो ऊपर में से सिलेक्ट किया हूँ और यहाँ पर नेक्स्ट में क्लिक किया हूँ। इसके बाद अब दोस्तों बहुत ही सिंपल है, आपको यहाँ पर एक आईडी क्रिएट करना होता है। अगर आपने फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हो तो आप यहाँ पर आईडी क्रिएट कर लीजिए, यहाँ तो आपने ऑलरेडी पहले भी आपने यूज़ किया हो, तो यहाँ पर आप आपके जो भी ईमेल आईडी या आप फ़ोन नंबर है यहाँ से भी आप लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने का सिस्टम बहुत ही आराम से, क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको नया अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो मैंने तो पहले भी इसको यूज़ किया, तो मैंने सिर्फ रीसेट किया हो, तो इसके लिए मेरा मोबाइल नंबर और पासवर्ड यहाँ पर दे देता हूँ। मैंने मोबाइल नंबर दिया हुआ, अभी मेरा जो पासवर्ड है इसी अकाउंट का पासवर्ड मैं यहाँ पर दे देता हूँ और यहाँ पर नेक्स्ट में क्लिक कर देता हूँ, ठीक है गाइस।
तो जैसे हम फेसबुक वगैरह में लॉग इन करते हैं वैसे ही सिस्टम कुछ इस टाइप का है। अभी यहाँ पर सिंपली दिखा रहा जो भी यहाँ पर क्रिएट पिन, तो एक पिन मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पर एक पिन क्रिएट कर लेता हूँ। जब भी मैं पीसी को ओपन करूँगा पिन देके ओपन करना पड़ेगा, ऐसे में एक पीसी है जो कि सिक्योर रहेगा। इसके बाद आपको ये ऑप्शन आता है, तो सिंपली ये जो ऑप्शन है टोटल मैं इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। एक्सेप्ट कर लिया हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस जो भी है मैं टोटली सभी के सभी एक्सपीरियंस को मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। टिक मार्क लगाना पड़ेगा, तो सभी में मैं यहाँ पर फटाफट टिक मार्क लगा देता हूँ। जैसे इमेज वगैरह जो भी यहाँ पर है सबको मैं टिक मार्क लगा के यहाँ पर एक्सेप्ट में क्लिक कर देता हूँ। एक्सेप्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर यूज़ द एंड्रॉयड फ़ोन योर पीसी, तो यहाँ पर सिंपली मैं यहाँ पर इसी साइड में मैं क्लिक कर देता हूँ। मैं इसके बाद बैक अप योर फाइल वन ड्राइव, तो सिंपली मैं यहाँ पर नेक्स्ट में क्लिक कर देता हूँ। जो भी है यहाँ पर यही ऑप्शन है, इसी ऑप्शन में ही तो टच करना पड़ेगा। तो इसी ऑप्शन में टच करने के बाद अभी यहाँ पर दिखा रहा है एक्सेस योर ग्रांटेड फ्री ट्यूटोरियल, तो माइक्रोसॉफ्ट का ये है 365 वाला। तो अगर आप कंटिन्यू में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पैसे के लिए बोला जाएंगे, तो फिलहाल मैं इसको नहीं करूँगा, तो इसलिए मैं डिस्कलिंग कर देता हूँ डिस्कलिंग। तो अगर आप कंटिन्यू करते तो आपको यहाँ पर कार्ड वगैरह मांग सकता है, तो अगर आप कर देंगे तो आप कर सकते। ये सब ये और एक चीज़ है यहाँ पर भी, आपको ये सर्विस जो कि आप लेना चाहते हो, ये सब फेवरेट गेम्स वगैरह है, तो मैं नहीं लेना चाहता हूँ, नो थैंक्स में मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। आप चाहे तो आप भी ले सकते हो, लेकिन फिलहाल तो मैं नहीं लेता हूँ क्योंकि पैसा के वगैरह मामला है, तो मैं यहाँ पर नो थैंक्स में क्लिक करूँगा। तो ज्वाइन करने के लिए आप दिखा रहा था, तो ओके गाइस, तो फाइनली यहाँ पर और एक ऑप्शन है, तो इसको भी मैं टोटली एक्सेप्ट में क्लिक करूँगा टोटली, ठीक है। तो एक्सेप्ट में जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और फाइनली यहाँ पर जस्ट मोमेंट यहाँ पर दिखा रहा है विंडोज न्यू, और मुझे लगता है बस और कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। अभी फाइनली यहाँ पर हमारा जो पी सी है टोटली ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर दिखा रहा है हाई, तो फर्स्ट में ही हाई दिखा रहा है। उसके बाद योर गेटिंग योर एवरीथिंग रेडी फॉर यू, तो यहाँ पर टोटली हमारा जो पीसी यहाँ पर रेडी हो रहा है गाइस। अभी ये यहाँ का जो डिस्प्ले है थोड़ा कुछ मिनट ही आपको टाइम लगेगा, तो उसके बाद ऑलमोस्ट यहाँ पर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखता हूँ गाइस अभी क्या क्या सीन। अभी देखो दोस्तों फाइनली यहाँ पर हमारा जो होम स्क्रीन है पीसी का टोटली आ चुका है। तो दोस्तों कुछ हिसाब से काफ़ी आराम से अपने पीसी या लैपटॉप को आप रीसेट कर सकते हो। रीसेट करने के बाद फिर से दोबारा आप रीस्टार्ट भी कर सकते हो। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप फुल डिटेल्स में आपको दिखाया कि कैसे आप पीसी को रीसेट कैसे किया जाता है, या लैपटॉप का भी एक ही सिस्टम है, काफ़ी आराम से आप रीसेट कर सकते हो और पीसी को फिर से आप दोबारा न्यू के जैसा आप ओपन कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएंगे। वीडियो पसंद आएंगे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो, और हो सके तो इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, सोशल नेटवर्क आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।